सो हेयर वी आर एट द डेकाथलॉन एंड मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मेरे को ऐसी फीलिंग आती है जैसे एक किड है और वो एक टॉय शॉप में आया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ ऐसे देख कर लगता है कि मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और विंटर क्लोथिंग काफ़ी इस बार अच्छी आई है, देयर इज़ सो मच स्टॉक ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड, बिकॉज मैं अब सोच के आया था कि सारी आज शॉपिंग करके ही जाऊँगा। So hello everyone, welcome back to the channel. Right now I am at the airport road and it's 8:30 in the morning. I am going to Decathlon Jaipur for some winter clothing shopping and here is my bike Jarvis, it's all set. अभी मैंने इसको कल ही वॉश किया था, जैसे कि अब विंटर्स आ गए हैं, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन द विंटर क्लोथिंग। समर्स की ऑलरेडी ऑन द चैनल, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। द वेदर इज क्वाइट नाइस, अभी काफ़ी सनलाइट है पर फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। एक्चुअली ये सीजन बिल्कुल बेस्ट होता है साइकिलिंग के लिए, बिकॉज हमें ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। इट्स अ काइंड ऑफ व्लॉग और यू कैन से वीडियो। सो आई एम रियली कन्फ्यूज कि मैं इसको बिफोर नेक्स्ट राइड सीरीज में डालूँ या व्लॉग सीरीज में डालूँ। सो लेट्स सी एक ऐसी वीडियो बनती है। Guys, I'm finally at the Decathlon and here is my bike. All the guys with buckles in your bike, आप हमेशा अपनी बाइक को ऐसे लॉक करो दैट आपका फ्रेम एंड आपका जो रेयर व्हील है वो लॉक के बीच में आए, सो दैट इफ़ कोई चांस हो किसी का, अगर आपकी बाइक पर नज़र हो किसी की, तो वो कुछ ज़्यादा चोरी ना कर पाए। बिकॉज हमारा जो रेयर व्हील होता है उसमें हमारा क्रैंक सेट होता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द Decathlon एंड आर विंटर क्लोथिंग। हेयर वी आर एट द Decathlon एंड मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मेरे को ऐसी फीलिंग आती है जैसे एक किड है और वो एक टॉय शॉप में आया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ ऐसे देख कर लगता है कि मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बट लेट्स गो टू आवर बिजनेस, दैट इज़ द विंटर क्लोथिंग। और विंटर क्लोथिंग काफ़ी इस बार अच्छी आई है, देयर इज़ सो मच स्टॉक ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड, बिकॉज मैं अब सोच के आया था कि सारी आज शॉपिंग करके ही जाऊँगा। So here are all the jerseys and this one is the rain cover and it has a cap also at the back and it is for around 2000. The next one is also a rain cover and this is for 800. This is the basic one without the cap at the back and this is a wind sheeter or you can say a windbreaker and this comes for around 1500. This one is the lower for the rain cover and this is also a rain cover, same one as of that and it comes for around 800. And this is the BRB shorts, as you can see. So these are all the shorts and here is the leggings for the cycling. It has a pad also as well at the bottom. मेरे पास ये वाली है एक. This is really comfortable and this comes for around 800. And here you can see the most expensive one for the winters, that is the Triban, and this is really good for winters. If you see, it comes for around 2500, but the fabric is really great. The next one is jersey for summers and it comes for around 2500. And here is also jersey for winters, but ये थोड़ी thin है as compared to that one. And this comes for around 2000 to 1500 I think. एंड हेयर आई सी अ जर्सी जो मेरे को देखी देखी लग रही है, ये जर्सी कोई डालता है शायद। दिस इज़ ऑल्सो अ जर्सी, बट ये मेरी वाली जर्सी है, बट इसकी जो आर्म्स हैं वो फुल स्लीव है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग वन ऑफ दिस। एंड हेयर यू कैन सी अनदर जर्सी, दिस इज़ ऑल्सो फॉर समर्स। एंड हेयर आर ऑल द शॉर्ट्स, मेरे पास ये वाली शॉर्ट्स है एंड इट कम्स फॉर अराउंड 800 आई थिंक। एंड दिस वन इज़ फॉर अराउंड 1800 एंड इसका जो पैड है और आपको इसका जो पैड होगा उसमें काफ़ी फ़र्क लगेगा। दिस इज़ द सिंपल वन एंड ये थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सो दिस इज़ गुड फॉर लॉन्ग राइड्स। एंड हेयर यू कैन सी ऑल द बालकलावाज दैट आर ऑल्सो शॉर्ट्स। दीज आर द बिगेनर जर्सीज़ जो हमें काफ़ी लो रेट में मिलती हैं, लाइक दिस इज़ फॉर अराउंड 600, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 600 as you can see, and these are the jerseys for mountain bikers. If you can see, this is the short and ये inner short होती है जो MTB riders डालते हैं। And here are all the gloves. Mountain bikers, this is for the mountain bikers and this is for the road bikers. And this one is the most basic one जो मेरे पास भी है। I use this one. And here are all the sunglasses that comes for around 400. And talking about the price of the gloves, this glove comes for around 300 and you can see here all the price. They comes for different price and here are all the arm sleeves जो हमें काफ़ी यूजफुल होते हैं in summers as well as in winters also if you have the short sleeve jersey. And guys, this section is for the all the accessories and here you can see there are all the hand pumps. This one is for the MTBs and these are for the hybrid bikes. And this comes for around 600 and that comes for around I think let me see. This is a whole kit जिसमें हमें multi tool भी मिलेगा and the puncture kit also, मतलब पंक्चर निकालने के लिए ये काम आता है। And this comes for around 1200. Here are all the bags जैसे saddle bag and the handlebar bag. As you can see, this is the handlebar bag and this is the frame bag. This is also a frame bag. This is a saddle bag. यहाँ पे मेरे को ना हमेशा का ऐसा लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे अब मेरा मन कर रहा है कि मैं फ्रेम बैग ले लूँ एक, क्योंकि मेरे पास है नहीं है। आई यूज़ द बैक पैक। सो कमिंग बैक टू आवर जर्सी सेक्शन, हियर आर ऑल द जर्सीज। I selected this one सेम ही है, बस इसकी थोड़ी स्लीव, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्लीव्स। और मुझे यहाँ पे कम से कम 3 से 2 लोग मिल चुके हैं जो साइकिलिंग के बारे में पूछ चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं डिकैथलॉन का ही हूँ बिकॉज मेरी जर्सी, मेरी शॉर्ट्स, सब कुछ तो डिकैथलॉन का, शूज़ भी डिकैथलॉन के हैं। सो उनको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ एंड आई फील रियली ग्रेट टू हेल्प एनी वन एंड हाउ एवर आई कैन। और ये मैं कहाँ आ गया, बातों बातों में उधर ही आ गया। So guys, this was it for the video. I hope you like it. If you do, then please give it a thumbs up. And मेरी shopping हो गई है and now the biggest task is कि मुझे छोटे से बैग में सारी shopping का सामान इसमें डालना है। So I have to look कि मैं क्या करूँगा। It's around 11 in the morning and I am little tired because मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। Actually मैं 9:30 आ गया था और स्टोर खुलता है 10। So मेरे को ½ an hour थोड़ा वेट करना पड़ा, उसकी वजह से भी थोड़ा टायर्डनेस हो रही है क्योंकि वेट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। So it's quite hot now. I should leave as soon as possible. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल अगर आप न्यू हो। सो आई होप टू सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।